हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज कि अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हैं किसी जॉब पर्पज के लिए, या अगर कोई बैचलर स्टूडेंट फिजियोथेरेपी इंटर्नशिप करने के लिए किसी हॉस्पिटल में जाता है इंटरव्यू देने के लिए, या अगर कोई बैचलर पास आउट स्टूडेंट मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए अगर किसी इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू देने जाता है, तो उससे कौन कौन या किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें कि अगर कोई पर्सन कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहा है और वो फिजियोथेरेपी फील्ड से बिलोंग करता है, तो उससे जो पहले सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जा सकता है या जो हर इंटरव्यू में कॉमन क्वेश्चन होता है, वो ये होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, मीन्स अपने बारे में कुछ बताइए, ये इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो ये क्वेश्चन पूछने का सिर्फ मकसद यही होता है कि आपके जो बात करने का तरीका है वो क्या है इसमें, क्योंकि आपका रेज्यूम इंटरव्यूअर के सामने होता है, उसको सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे पूछता है। वो इसीलिए पूछता है कि आपका जो टॉकिंग का तरीका है वो कैसा है। तो इसमें सबसे पहले आपको अपने बारे में बताना होता है कि आपका नाम क्या है। अब इसमें कुछ लोग माता पिता का भी नाम जोड़ने लगते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने बारे में बताना होता है कि माई सेल्फ जो भी आपका नाम है, देन आपने कहाँ से स्टडी की है, कौन से इंस्टीट्यूट से स्टडी की है, बैचलर डिग्री आपने कहाँ से ली है, उसके बारे में बताना होता है। देन उसके बाद में अगर आपके पास कोई स्पेशल टेक्निक आपने सीख रखा है, जैसे टेपिंग, मैनुअल थेरेपी, ड्राई नीडलिंग, ये सारी चीज़ों में से अगर आपने कुछ भी सीख रखा है तो उसके बारे में आपको बताना होता है। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको इस तरह से इंट्रोड्यूस करना होता है। अगर आपकी कोई स्पेशल हॉबीज है, मीन्स जैसे मान लीजिए आप ग्रुप वर्क अच्छा कर लेते हैं या टीम वर्क आपको करना आता है, तो इस तरह से आपकी कोई हॉबीज है जो आपके जॉब या आपके इंटर्नशिप के लिए अच्छी हैं, तो आप उसको उस टाइम बता सकते हैं। देन अगर हम बात करें जो दूसरा क्वेश्चन, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है आपके इंटरव्यू में, हर एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि आपने फिजियोथेरेपी फील्ड ही क्यों ज्वाइन किया। इतने सारे मेडिकल फील्ड थे, कोई भी आप ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन आपने फिजियोथेरेपी फील्ड ही क्यों चूज किया। तो ये क्वेश्चन हर इंटरव्यू में आपसे पूछा ही जाएगा। तो इसमें आपको क्या रिप्लाई देना होता है, कुछ लोग ऐसे रिप्लाई देते हैं कि हम इस फील्ड में यहाँ से सुने और इसे सुन करके मोटिवेट हुए और हमारे अंदर भी आया कि हम इस फील्ड में जाएं। कुछ लोग बताते हैं कि हमारे अंदर पहले से इच्छा थी कि हम पेशेंट को ट्रीट करें, पेशेंट को बिना दवा से ट्रीट करें, दवा खा के पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है। इस तरह से अलग अलग लोगों के क्वेश्चन होते हैं, मतलब आंसर होते हैं इस क्वेश्चन का। तो आप भी जो भी आपको सुटेबल आंसर इन सब में लगे वो आप चूज कर सकते हैं। मीन्स ऐसा आंसर होना चाहिए जो ऑथेंटिक होना चाहिए, ऐसा ना हो लगे कि आप बना के बोल रहे हैं, ऑथेंटिक आंसर होना चाहिए। तो ऑथेंटिक आंसर आपको देना है। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपसे पूछा जाता है यही कि आपने अगर फिजियोथेरेपी इंटर्नशिप करना है या आपको जॉब करना है या आपको एडमिशन लेना है, तो आपने यही इंस्टीट्यूट क्यों चूज किया, यही हॉस्पिटल्स क्यों चूज किया, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स थे और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे, वहाँ के आप क्यों नहीं गए। तो उस टाइम आपको ये रिप्लाई देना होता है कि आपको जो क्वालिटीज, जो फीचर्स आपको उस हॉस्पिटल्स में या उस इंस्टीट्यूट में नज़र आ रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना होता है। मान लीजिए आप कहीं इंटर्नशिप करना चाहते हैं, वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पर सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर डे पेशेंट जो विजिट करते हैं उनका नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा हैं, या वहाँ पर अच्छे से आप फिजियोथेरेपिस्ट को ट्रीट किया जाता है, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, तो इन सब चीज़ों को आप बता सकते हैं। देन अगर हम बात करें और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे फिर आपके फील्ड से पूछा जाता है। अच्छा ये बताइए, आप फिजियोथेरेपी की हेल्प से किस किस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। तो जब ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर कंडीशंस कौन है, इस पर डिपेंड करता है। आप कंडीशंस आपकी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है या आर्थोपेडिक कंडीशंस है या मस्कुलोस्केलेटन या फिर स्पोर्ट्स इंजरीज हैं या फिर कार्डियोपल्मोनरी कंडीशंस हैं, जो कंडीशंस होगी उसके हिसाब से हम ट्रीट कर सकते हैं। लाइक अगर एग्जांपल की हम बात करें, मान लीजिए पार्किंसंस डिजीज है, तो उसमें पेशेंट का जो पॉस्चर है, गेट है, सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको पहले हम एसेस करेंगे, डायग्नोस करेंगे, उसके बाद ट्रीट करेंगे। तो वो कंडीशन के हिसाब से आप बताएंगे कि हम ये इस कंडीशंस को ट्रीट कर सकते हैं। मान लीजिए फ्रोजन शोल्डर है, फिजियोथेरेपी की हेल्प से हम ट्रीट करते ही हैं। मान लीजिए सियाटिका पेशेंट को हो गई है, लो बैक पेन हो गया है, इस तरह से जो कंडीशंस होती हैं फिजियोथेरेपी की हेल्प से ट्रीट कर सकते हैं, तो अपने नॉलेज के हिसाब से बता सकते हैं। देन अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आप कंडीशंस कोई भी बताएंगे, तुरंत वो ये पूछेंगे, अच्छा बताइए इस कंडीशन को आप कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे एसेस करेंगे, ये एसेसमेंट के इस डायग्नोसिस को, मीन्स इस कंडीशन को एसेस करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं,
कैसे एसेस करोगे? तो आप फिर कंडीशंस के हिसाब से, जैसे न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट जो प्रोफार्मा है वो अलग तरीके से होता है, आर्थोपेडिक असेसमेंट प्रोफार्मा अलग तरीके से होता है, ऐसे ही कार्डियोपल्मोनरी असेसमेंट प्रोफार्मा अलग तरीके से होता है। तो आप किसी भी कंडीशंस, जो भी कंडीशंस है उसके हिसाब से आप एसेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आ गया हेमिप्लेजिया का, अगर हेमिप्लेजिया का पेशेंट आया है तो सबसे पहले हम डेमोग्राफिक डेटा ले लेंगे, उसके बाद में पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्व में क्या देखते हैं, उसका बॉडी बिल्ड क्या है, या वो अगर हमारे साथ में चल के आ रहा है या हम उसको देख रहे हैं स्टैंडिंग पोजीशन में तो उसका पॉस्चर कैसा है, अगर चल के आ रहा है तो हम देखेंगे उसका गेट कैसा है, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन होती हैं। देन हम बात करें पल्पेट करके, तो पल्पेट करके पता करते हैं स्वेलिंग है या एडिमा है, टेंडरनेस तो नहीं कहीं प्रेजेंट है, स्पाज्म तो कहीं नहीं है, इसे हम एसेस करते हैं। ऐसे ही जो मोटर असेसमेंट में आता है जिसमें हम रेंज ऑफ मोशन देखते हैं, MMT देखते हैं, मैनुअल मसल टेस्टिंग, मसल में स्ट्रेंथ कितनी है, या रिफ्लेक्सेस वगैरह एसेस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम पेशेंट में एसेस करते हैं। रिफ्लेक्स कैसे हैं, डिमनेस हैं या एग्जाजरेटेड हैं, मीन्स रिफ्लेक्स को हम चेक करते हैं। देन सेंसरी एग्जामिनेशन में हम देखते हैं डीप टच, पेन, प्रेशर, ये कैसे है, स्टीरियोग्नोसिस, मतलब जितने भी कंबाइन या हायर मेंटल फंक्शंस जो भी हैं वो सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। देन बात करें क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन न्यूरोलॉजिकल पेशेंट में, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। मीन्स कोई भी कंडीशंस अगर होती है तो उसके जो पूरा प्रोफार्मा होता है उसको फॉलो करते हुए हम चेक करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, आप लोग को पता होगा तो जो COVID-19 आया था उसमें जो कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट थे उनको बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने पेशेंट को, इसीलिए पेशेंट की डेथ होती थी क्योंकि पेशेंट को ये जो है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता था, इसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती थी। तो इस कंडीशन में फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते थे कि जो म्यूकस का एकुमुलेशन हो जाता था उनके चेस्ट एरिया में, लंग्स में, तो उन लंग्स से म्यूकस को रिलीज करने के लिए, सिक्रीट करवाने के लिए, सिक्रीशंस को बाहर निकालने के लिए, स्पुटम को बाहर निकालने के लिए जो फिजियोथेरेपिस्ट होते थे वो पास्चरल ड्रेनेज टेक्निक का यूज करते थे, मीन्स प्रकाशन वाइब्रेशन शेकिंग, या ऑटोजेनिक ड्रेनेज, या एक्टिव साइकिल ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करते थे, या सक्शन, जितने भी टेक्निक्स थे उनका यूज करके और इसको बाहर निकालते थे। तो उस टाइम फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत ही ज़्यादा रोल था। तो इस तरह से हम किसी भी कंडीशन को फिजियोथेरेपी की हेल्प से ट्रीट कर सकते हैं, और सबसे पहले डायग्नोस करना होता है कंडीशन को, देन ट्रीट करना होता है। देन अगर हम बात करें तो ये हमसे पूछा जाता है कि अगला क्वेश्चन जो है, जब हम ये बता देते हैं कि इस कंडीशन को हम ट्रीट कर सकते हैं या इसको ऐसे हम डायग्नोस करते हैं, तो फिर पूछेंगे अच्छा फिजियोथेरेपी फील्ड में कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं, कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से आप इस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप उसमें बता सकते हैं कि अगर हम बात करें इसमें दो तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं, जो पहला हमारा आता है वो आता है मैनुअल थेरेपी, दूसरा हमारा आता है इलेक्ट्रोथेरेपी। जो इलेक्ट्रोथेरेपी हमारा आता है उसमें सारी मॉडलिटीज आती हैं, जैसे हार्ट पैक, आपके पैराफिन वैक्स बाथ, आपका जो है UST, टेंस, SWD, MWD, लेजर थेरेपी, UVR, IRR, जितनी भी मतलब आपके मॉडलिटीज हैं, फ्लूडोथेरेपी वगैरह, सबका हम यूज करके कर सकते हैं। तो ये तो हमारा ये ट्रीटमेंट का तरीका है मॉडलिटीज के थ्रू। दूसरा जो सबसे अच्छा तरीका है जिसको हम सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, दोनों को कंबाइन मतलब करते हैं मैनुअल थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी का, पर मैनुअल थेरेपी का सबसे ज़्यादा रोल होता है। तो मैनुअल थेरेपी में जैसे कि हम स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं, देन PNF टेक्निक का यूज कर सकते हैं, मोबिलाइजेशन, मैनुपुलेशन, देन उसके बाद में हम पेशेंट को करवा सकते हैं जो है जितनी भी हमारी टेक्निक्स हैं उनका हम यूज कर सकते हैं, जैसे K-टेपिंग वगैरह हो गया, तो इन सब के थ्रू भी पेशेंट को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स और भी हैं जिनकी हेल्प से हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो जब आप ये बता देंगे उसके बाद में फिर वो आपके बेसिक एनाटमी चेक करेंगे, आपको बेसिक एनाटमी पता है कि नहीं पता है। तो बेसिक एनाटमी में जैसे कि आपका आता है कि मान लीजिए उन्होंने पूछ लिया कि जो यूनिक स्ट्रक्चर्स बॉडी में है, मान लीजिए क्लेविकल बोन से वो हॉरिजॉन्टल प्लेस्ड है, तो पूछेंगे बॉडी में कौन सी ऐसी बोन है जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, तो आप बताओगे क्लेविकल। उन्होंने पूछ लिया रोटेटर कफ मसल कहाँ पर लोकेटेड होती है, कितनी मसल्स होते हैं रोटेटर कफ में, या हैमस्ट्रिंग मसल्स का क्या फंक्शन होता है, मीन्स वो आपको बेसिक चीज़ें जानना चाहते हैं, आपको बेसिक एनाटॉमी पता है या नहीं पता है। ये मान लीजिए उन्होंने पूछ लिया कि रेडियल नर्व इंजरी हो गई तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, या रिस्ट ड्रॉप किसकी वजह से होता है, अल्नार क्ला हैंड किसकी वजह से होता है, या एप्लाइक थंब डिपार्मिटी किसकी वजह से, किस नर्व की कंडीशन की वजह से होता है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिक एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। देन लास्ट में वो जो चेक करते हैं वो ये चेक करते हैं कि जो फिजियोलॉजिकल वैल्यूज होती है नॉर्मल
फिजियोलॉजिकल वैल्यूज मीन्स, जैसे मान लीजिए आपको सीबीसी का रिपोर्ट देखना हुआ तो आपको ये चीज़ पता है कि नहीं पता है आपके बॉडी में कितना आरबीसी है, कितना डब्ल्यूबीसी है, कितना प्लेटलेट्स है, या मान लीजिए ब्लड का पीएच कितना है, या आपके बॉडी में ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना होता है, मीन्स ये सारी चीज़ें। मान लीजिए एबीजी की रिपोर्ट आ गई आपके सामने, तो एसिड बेस में डिफरेंस अगर पता करना है तो आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, साथ ही साथ वो फिजियोलॉजिकल वैल्यूज में पीएच वगैरह, जैसे यूरिन टेस्ट हुआ तो यूरिन का पीएच कितना होता है, या जितने भी मतलब फिजियोलॉजिकल वैल्यूज हैं वो सारी चीज़ों का वो चेक करते हैं। और ओवरऑल इतनी चीज अगर आप बता देते हैं, देन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। मान लीजिए अगर आप जॉब के लिए आए हैं तो आपको यहाँ जॉब मिल गया, लेकिन और आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, इससे ये डिसाइड होता है कि आप अगर उनके इंस्टीट्यूट में गए हैं तो इस इंस्टीट्यूट को और कितने आगे तक आप लेके जाएंगे। तो ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में होता है कि आपका एम क्या है, तो एम के बारे में आपको बताना होता है, जो भी आपका फ्यूचर प्लान होता है, जो आपने सोच रखा होता है कि आपको क्लिनिकल में जाना है या एकेडमिक में जाना है या दोनों करना है, जो भी आपका प्लान है वो आप बता सकते हैं। तो ये हमारा रहा फिजियोथेरेपी इंटरव्यू के जो जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और थैंक यू सो मच।